हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज पे बात कर रहे थे और इसकी दो सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं और इन दोनों सीरीज में हम लोग सिर्फ जिलों पर चर्चा किए थे कि साइड साइड के कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में। जो 35 जिलों पर हम लोग बात किए थे, सहारनपुर से लेकर जो सबसे उत्तरी में है, फिर सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सबसे पश्चिमी जिला कौन है, शामली है। आइए इसके अगले सीरीज पर बात करते हैं। पहले तो एक बार पूरे जिलों को हम लोग डिविजन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। आइए चलते हैं अगली सीरीज पर, जो तीसरी सीरीज आपकी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जिला कौन सा है, सहारनपुर है। कौन है, सहारनपुर पहला जिला, सहारनपुर यह हो गया पहला जिला। दूसरे जिले पर हम लोग बात करें तो दूसरा जिला आपका है मुजफ्फरनगर। कौन सा है, मुजफ्फरनगर। तीसरे जिले पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर है जो बिजनौर है। कौन सा, बिजनौर जिला। और बिजनौर जिला से ही दोस्तों गंगा नदी एंट्री करती है। किस जिले से, बिजनौर जिले से। और यमुना कहाँ से करती है, तो यह सहारनपुर वाला इलाका है, सहारनपुर से यमुना नदी एंट्री करती है। बिजनौर के बाद बात करें तो बिजनौर के बाद आपका अगला जिला है जिसका नाम है मुरादाबाद। क्या नाम है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद के बाद जो इम्पोर्टेंट जिला रामपुर। कौन सा है, रामपुर। रामपुर के बाद दोस्तों कौन सा जिला, रामपुर के बाद आपका आ गया बरेली, जो एक मंडल भी है बरेली। और बरेली के बाद बात करें तो पीलीभीत। कौन सा जिला है, पीलीभीत। और पीलीभीत के बाद बात करें तो पीलीभीत के बाद अगला जिला आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी। क्या नाम है, लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद हम लोग बात करें तो बहराइच है। कौन है, बहराइच है। और बहराइच के बाद यदि जिलों पर चर्चा करें तो श्रावस्ती है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश या वर्षा काल बिताए थे। श्रावस्ती के बाद बात करें तो श्रावस्ती के बाद आपका है जिसका नाम क्या है दोस्तों, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद महाराज, अरे क्या बोलते हैं, बलरामपुर। क्या नाम है, बलरामपुर। और बलरामपुर के बाद आपका है सिद्धार्थनगर। कौन सा जिला, सिद्धार्थनगर। अब सिद्धार्थनगर के बाद अगला जिला कौन सा है, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज। कौन सा है, महाराजगंज। अगला जिला हो गया महाराजगंज। महाराजगंज के बाद बात करें तो कुशीनगर। कौन सा जिला हो गया, कुशीनगर। और कुशीनगर के बाद बात करें तो आपका देवरिया है। कौन सा जिला है, देवरिया। और देवरिया के बाद आपका सबसे पूर्वी जिला आ गया जिसका नाम है बलिया। कितने जिले हो गए दोस्तों, एक बार काउंट करते हैं। सबसे पहला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठवा बरेली, सातवा पीलीभीत, आठवा लखीमपुर खीरी, नौवा बहराइच, दसवा श्रावस्ती, ग्यारहवा बलरामपुर, बारहवा सिद्धार्थनगर, तेरहवा महाराजगंज, चौदहवा कुशीनगर, पंद्रहवा देवरिया और सोलहवा बलिया। जो सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, बलिया। सबसे उत्तरी जिला कौन है, सहारनपुर। उत्तरी जिले से यमुना नदी और बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। बलिया के बाद बात करें तो बलिया के बाद आपका है गाजीपुर। क्या नाम है, गाजीपुर। और गाजीपुर के बाद दोस्तों बात करें तो गाजीपुर के बाद आपका अगला जिला है चंदौली। कौन सा जिला है, चंदौली। चंदौली के बाद बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जो दक्षिणतम जिला है जिसका नाम क्या है, सोनभद्र। क्या नाम है, सोनभद्र। सोनभद्र के बाद बात करें तो मिर्जापुर। कौन सा जिला, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के बाद बात करें तो आपका प्रयागराज, संगम नदी, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद हम लोग बात करें तो यह है चित्रकूट। कौन सा है, चित्रकूट। चित्रकूट के बाद अगला जिला है बांदा। और बांदा के बाद अगला जिला आपको मिलेगा महोबा। कौन सा जिला हो गया, महोबा। कौन सा अगला जिला है, महोबा। और महोबा के बाद झांसी है। कौन सा जिला है, झांसी। अब इन यहाँ पर झांसी के साथ साथ एक जिला और हमको देखना है, ललितपुर। और ललितपुर की खास बात क्या है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है और वह है झांसी।
आप झांसी के बाद बात करें तो आपको मिलेगा जालौन। कौन सा जिला मिलेगा? जालौन। और जालौन के बाद दोस्तों अगला जिला है जिसका नाम है इटावा। क्या नाम है? इटावा। अब इटावा के बाद अगला जिला जहां पर ताजमहल स्थित है जिसका नाम क्या है? तो आगरा है। क्या नाम है? आगरा। यहां का पेठा बहुत फेमस है दोस्तों। आगरा, आगरा की बात करें आगरा के बाद, तो आगरा के बाद है मथुरा। कौन सा है अगला जिला? मथुरा। और मथुरा के बाद है अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद बात करें तो अलीगढ़ के बाद आपका है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के बाद अगला जिला आपको मिलेगा गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद के बाद है बागपत। कौन सा जिला है? बागपत। और बागपत के बाद लास्ट जिला आपको मिलेगा शामली, जो सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा? शामली। अब यह तो आप लोग जिले याद कर लिए, अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले इसके सीमावर्ती राज्यों से सीमा बनाते हैं। इसी जगह इसको देखेंगे, कवर किया जाएगा। सहारनपुर से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और आगे के कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। जिला तो हो गया था, बस हम लोग विभेजन किए थे, अब चर्चा करते हैं सीमावर्ती राज्यों पर। तो यह आपका ऊपर दिख रहा होगा सहारनपुर। कौन सा दिख रहा है? सहारनपुर। और यह सहारनपुर एक पतले रो के साथ एक यहाँ पर राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो सहारनपुर है, कौन सा जिला? सहारनपुर जो जिला है वह किससे स्पर्श कर रहा है? हिमाचल प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और यह किस जिले से सीमा बनाता है? तो यह बनाता है सहारनपुर से सीमा। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश, जो सबसे छोटी सीमा बनाता है किसके साथ बनाता है? सहारनपुर के साथ बनाता है। और आगे बात करें तो यहाँ तक तो सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है सहारनपुर से, लेकिन इसके आगे का जो यह इलाका है यह अगले राज्य से सीमा बनाता है और इस अगले राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है दोस्तों? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से सीमा बनाने वाला पहला जिला कौन सा हो गया? सहारनपुर। कौन हो गया? सहारनपुर। एक जिला आपको मिल गया सहारनपुर। अगले जिले की बात करें तो दूसरा जिला आपका है मुजफ्फरनगर। क्या नाम है? मुजफ्फरनगर। तीसरे जिले की बात करें तो तीसरा बिजनौर। चौथे जिले की बात करें तो चौथा मुरादाबाद। पांचवें जिले की बात करें तो पांचवा रामपुर। छठवें जिले की बात करें तो छठवा बरेली। सातवें जिले की बात करें तो सातवां पीलीभीत। यानी दोस्तों यह सात जिले कहां तक? पीलीभीत तक का जिला उत्तराखंड से सीमा बनाता है। यानी कितने जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं? सात जिले। कौन कौन से सात जिले? तो पहला हो गया सहारनपुर, दूसरा हो गया मुजफ्फरनगर, तीसरा हो गया बिजनौर, चौथा हो गया मुरादाबाद, पांचवा हो गया रामपुर, छठवा हो गया बरेली और सातवा हो गया पीलीभीत। यानी कि सात जिले जो सीमा बनाते हैं इसके सीमावर्ती राज्य से, और वह राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। तो पहला राज्य आपको तो हिमाचल प्रदेश मिल गया और दूसरा राज्य कौन मिल गया? उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो सात जिलों से दोस्तों सीमा बनाता है। कौन कौन से सात जिले हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों यह समझना है कि यह जो पीलीभीत है जिसकी सीमा जहां से उत्तराखंड से छूटती है वहीं से अगला राज्य कैप्चर कर लेता है, और अगला राज्य आपका एक अंतर्राष्ट्रीय देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। यही एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय देश। कैसा देश है? अंतर्राष्ट्रीय देश है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन सा एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय देश है जो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपका नेपाल एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो बात उठती है कि यह कितने जिलों से सीमा बनाता है, आइए काउंट करते हैं। तो जहां से पीलीभीत उत्तराखंड के साथ सीमा को छोड़ा था न, वहीं से
यह नेपाल कैप्चर कर रहा है और पहला जिला हो गया आपका पीलीभीत, दूसरा हो गया लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा हो गया श्रावस्ती, पांचवा हो गया बलरामपुर, छठवा हो गया सिद्धार्थनगर और सातवां हो गया महाराजगंज। यानी दोस्तों जो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय देश है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो सात जिले। कितने जिले? सात जिले। हम लोग उत्तराखंड में भी तो सात जिले देखे थे, तो सात जिले उत्तराखंड के हो गए और सात जिले नेपाल के साथ भी हो गए। आइए अगले राज्य की बात करें, तो इसी के बाद जहां से महाराजगंज अपनी सीमा नेपाल के साथ छोड़ता है वहीं से अगला राज्य सीमा स्पर्श करता है और इस अगले राज्य का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है बिहार। क्या नाम है? बिहार। तो अब बात करें ये जो बिहार आपका राज्य है वह कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो पहला तो महाराजगंज कॉमन हो गया। महाराजगंज क्या हो गया? कॉमन हो गया। और कॉमन का मतलब यह हो गया कि यह नेपाल से भी सीमा बनाता है और बिहार से भी सीमा बनाता है। यानी हम लोग बात करें तो पहला जिला आपका कौन हो गया? महाराजगंज हो गया। दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा कुशीनगर हो गया। तीसरे जिले की बात करें तो तीसरा देवरिया हो गया। चौथे जिले की बात करें तो चौथा आपका बलिया हो गया। पांचवें जिले की बात करें तो पांचवा आपका गाजीपुर हो गया। छठवें जिले की बात करें तो छठवा आपका चंदौली हो गया। और सातवें की बात करें तो सातवां यह वाला हिस्सा सोनभद्र का भी जिला से स्पर्श करता है, यानी कि सातवां जिला सोनभद्र हो गया। यानी टोटल कितने जिले उत्तर प्रदेश के बिहार के साथ स्पर्श करते हैं, तो सात जिले ऐसे हैं। कितने जिले? सात जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। यानी हम बात करें तो एक जिला सहारनपुर से, सात जिला उत्तराखंड से, सात जिला नेपाल से और सात ही जिला बिहार से सीमा बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है जिस पे हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही जिला है सोनभद्र। कौन सा जिला? सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों से सीमा बनाता है। और यह चार राज्य कौन कौन से हैं, आइए काउंट करते हैं। इतना तो आपका बिहार हो गया। कौन हो गया? इतना बिहार हो गया। अब दूसरे राज्य की बात करें तो इतना लगभग हो गया आपका झारखंड। कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। और इतने की यदि हम बात करें, इतने की यह जो हिस्सा आपका बच रहा है यह स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ से। किससे स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ से। और यह वाला पूरा पोर्शन आपका एमपी से सीमा बनाता है, यानी मध्य प्रदेश से। किससे बनाता है? मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें सोनभद्र की तो चार राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला तो बिहार हो गया। कौन सा हो गया? बिहार हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा झारखंड, तीसरे की बात करें तो छत्तीसगढ़ और चौथे की इतने की बात करें तो यह स्पर्श करता है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही जिला है जो चार राज्यों से सीमा बनाता है। कौन सा जिला? सोनभद्र। सोनभद्र किन किन जिलों से सीमा बनाता है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी यानी मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। यह आपका सबसे दक्षिणतम जिला भी है। दोस्तों सर्वाधिक जनजाति भी यही रहती है। कहाँ पर? सोनभद्र में। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियां भी हैं जिसपे हम आगे बात करेंगे। तो हो गया सोनभद्र कितने जिलों, कितने राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है? चार राज्यों से। आगे काउंट करते हैं। अब यह हो गया सोनभद्र। कौन हो गया? सोनभद्र। यानी एमपी के जिले की शुरुआत यही से हम मान लेते हैं कि सोनभद्र कॉमन हो गया। यह एमपी से भी स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ से भी स्पर्श करता है। कॉमन की बात ही छोड़ दीजिए, यह चार राज्यों से सीमा बनाता है। आइए सोनभद्र की बात करें तो एमपी हो गया। एमपी में पहला जिला कौन हो गया? सोनभद्र। दूसरे जिले की बात करें मिर्जापुर। तीसरे जिले की बात करें प्रयागराज। चौथे जिले की बात करें चित्रकूट। पांचवें जिले की बात करें बांदा। छठवें जिले की बात करें महोबा। सातवें जिले की बात करें ललितपुर। आठवें जिले की बात करें झांसी। नौवें जिले की बात करें जालौन। दसवें जिले की बात करें इटावा। और ग्यारहवें जिले की बात करें तो आगरा। यानी दोस्तों सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश के साथ है कौन? एमपी। कौन है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। कौन सा?
मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, या कह लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है। तो प्रश्न उत्तर कि कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो दोस्तों यह 11 जिलों से सीमा बनाता है। कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। कौन कौन से 11 जिले? तो पहला हो गया सोनभद्र, दूसरा हो गया मिर्जापुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा चित्रकूट, पांचवा बांदा, छठवा महोबा, सातवा झांसी, आठवा ललितपुर, नौवा जालौन, दसवा इटावा और ग्यारहवा आगरा। यानी कि 11 जिलों से सीमा बनाने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है जिसका नाम है यमपी, और इसी की सबसे लंबी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। किसकी? किस राज्य की? यमपी की। तो सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? तो सबसे छोटी सीमा आप पढ़ चुके हैं, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा सबसे छोटी लगती है, जबकि सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपको ललितपुर दिख रहा है, कौन सा जिला दिख रहा है? ललितपुर। तो दोस्तों यह पूरा इलाका एमपी का है। किसका है? यह पूरा इलाका एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ आप ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत यह है कि यह जो ललितपुर है, देखिएगा यह तीन तरफ से एक ही राज्य से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यह तीन तरफ से एक ही राज्य से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और यह राज्य कौन सा है? तो यह राज्य आपका है एमपी। अब यह क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से सीमा बनाता है? तो यही ललितपुर। कौन सा? ललितपुर। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी से तीन तरफ से सीमा बनाता है। दूसरी खास बात हम लोग कर चुके हैं, कौन सी खास बात? कि ललितपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले से सीमा बनाता है, और वह जिला कौन सा है? झांसी। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा, अब अगले वीडियो में इसको हम पूरा कर देंगे कि कौन कौन से राज्य सीमावर्ती हैं। आज इतने पे एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जिलों पर भी हमने रिवीजन कर दिया और इस पे भी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और दोस्तों आप एक खुशखबरी जल्दी से जल्दी हम देने वाले हैं कि जो आपकी शिक्षा पद्धति है इसको और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ हम करने जा रहे हैं विशेष रूप से, जिस पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा और हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम को फॉलो करते रहिएगा।